बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी बीएसपी। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बयान, उपचुनाव में अकेले लड़ेगी बीएसपी, ये कहना है बसपा सुप्रीमो का। सपा अध्यक्ष को पार्टी में सुधार करने की जरूरत है, ये बात कही है मायावती ने। नसीहत दी है कि सपा अध्यक्ष को पार्टी में सुधार करने की जरूरत है। मैंने गिले शिकवे मिटाकर एसपी से गठबंधन किया था और अब मायावती ने यह बयान दिया है। एसपी के साथ यादव वोट मजबूत नहीं रहा, एसपी के मजबूत उम्मीदवार भी चुनाव में हारे, ये बयान दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। विधानसभा उपचुनाव के बारे में बोलती हुई नजर आई है, कहा है अकेले चुनाव लड़ेगी बीएसपी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बयान सामने आया है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा है कि हम भी उपचुनाव में अलग तैयारी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बयान सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये बयान दिया है, कहा है कि बीएसपी विधानसभा उपचुनाव में अकेले लड़ेगी। ये बयान सामने आया है बसपा सुप्रीमो मायावती का। साथ ही उन्होंने कहा है कि सपा अध्यक्ष को पार्टी में सुधार करने की जरूरत है, उनको नसीहत देते हुए नजर आई हैं। मैंने गिले शिकवे मिटाकर एसपी से गठबंधन किया था, ये बात कही है मायावती ने। तो वहीं अखिलेश यादव का भी बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एसपी भी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, एसपी के मजबूत उम्मीदवार भी चुनाव में हारे, ये बयान दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली में। तो वहीं अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, अखिलेश यादव ने ये बयान दिया है। इस पर उन्होंने कहा है कि हम भी उपचुनाव में अलग ही तैयारी करेंगे। इस तरह से मायावती के बयान पर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। दरअसल दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बयान दिया है। मायावती ने कहा है कि ये चुनाव अकेले ही लड़ेगी पार्टी। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस पर जवाब देते हुए कहा है कि सपा भी विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद गठबंधन पर बोलते हुए नजर आई हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सपा पार्टी को ज्यादा मंथन करने की जरूरत है, उन्हें कार्य करने की जरूरत है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस पर बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव एसपी अकेले ही लड़ेगी। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। मुझे लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चल सकते हैं। अभी कोई ब्रेक, परमानेंट कोई ब्रेक नहीं लगा है। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा, और जो कुछ सीटों पर बाय इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मुझे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन पर चलने वाली एक कर्मठ, अनुशासित व कैडर आधारित पार्टी है, और उसी के तहत सपा से गठबंधन करके, उसी मानसिकता के तहत चलकर सपा से गठबंधन करके बड़े मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित यादव हमारे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं अमित यादव। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि सपा बसपा गठबंधन के बाद मायावती ने यह बयान दिया है, उन्होंने विस चुनाव अकेले ही लड़ने की बात कही है।
बिल्कुल नीतू, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मायावती ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि अब मायावती एक अकेली राय होगी, क्योंकि मायावती जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी और साथ में जो पूरी पार्टी थी बसपा, वो उसका ये आरोप है कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है यानी यादव वोटर है वो ट्रांसफर नहीं हो पाया, उसका वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, इससे मायावती काफ़ी ज़्यादा खफा हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी को फिर से एक बार समीक्षा करने की ज़रूरत है और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, उसके जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं, उनके जो वोटर हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाए हैं, जिससे पार्टी जो दोनों पार्टियां वो जीत नहीं पाई हैं, जो उम्मीद थी दोनों पार्टियों को लोकसभा चुनाव में वो खरे उस उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई हैं। तो कहीं ना कहीं मायावती ने जो पूरा ठीकरा है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर फोड़ दिया है और यह भी कहा है कि अभी जो गठबंधन है उसमें ब्रेक पूरी तरीके से नहीं लगा है, वो एक मौका दिया है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को और ये भी कहा है कि अखिलेश यादव अगर पार्टी पूरी पाते हैं, अगर वोट जो है जो पारंपरिक वोट है यादव वोट उसको अपनी तरफ ला पाते हैं तो आगे गठबंधन चलेगा, अगर वोट नहीं ला पाते हैं तो गठबंधन आगे नहीं चलेगा। फिलहाल मायावती ने साफ कह दिया है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं 11 विधानसभाओं पे उस पर बसपा खुद अकेले चुनाव लड़ेगी, उसमें समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं रहेगा। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव का इस पर क्या बयान आता है। फिलहाल अखिलेश यादव इस वक्त गाजीपुर के दौरे पे हैं, अभी कल वो आजमगढ़ में थे, आज गाजीपुर में हैं, इस पर अभी अखिलेश यादव खुल के बोल नहीं रहे हैं। फिलहाल मायावती ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है और अखिलेश यादव का जो परिवार है पूरा सम्मान की है, मगर उसके बावजूद जो वोट ट्रांसफर की काम था, वोट ट्रांसफर जो करना था एक दूसरे को, वो नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मायावती ने अब जो गठबंधन है उससे उसको किनारा कर लिया है, अब अपनी अलग एक राह बना ली है, अपना एक अलग रणनीति से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। और मायावती जिस तरीके से कल बैठक की थी दिल्ली में कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम पदाधिकारियों के साथ, उसी में साफ हो चुका था कि अब मायावती गठबंधन को तोड़ चुकी हैं। और मायावती का अगर पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो मायावती तुरंत फैसला लेती हैं, अगर उनको उस गठबंधन से फायदा होता है तभी वो गठबंधन उनका आगे चलता है, वो भी बहुत दिनों तक नहीं चल पाया है, चाहे जो गठबंधन उनके साथ रहा हो, चाहे बीजेपी का रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो और चाहे सपा का रहा हो, इसके पहले मुलायम सिंह यादव के साथ रहा है। अब जो आप देख रही हैं इसमें भी यही चीज़ दिखाई दे रही है, मायावती तुरंत फैसला ली है और साफ तौर पे मायावती का ये कहना है कि जिस तरीके से जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, उसमें समाजवादी पार्टी का साथ नहीं रहेगा। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इस पर क्या रुख अपनाती है और समाजवादी पार्टी किस तरीके से नई रणनीति के साथ सामने आती है। जी नीतू, एक और जैसा कि आपने बताया कि मायावती ने इस चुनाव अकेले लड़ने की बात कही है, तो क्या दूसरी ओर अखिलेश यादव के द्वारा चुनाव लड़ने की बात अकेले कही जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर अब अखिलेश यादव के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अब अखिलेश यादव को अकेले ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, मगर अब देखना यह है कि जिस तरीके से तमाम क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी होने हैं, वहाँ पे जो आरएलडी है उसके साथ किस तरीके से गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, सपा गठबंधन, सपा और आरएलडी अपने साथ एक साथ गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अब इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। फिलहाल मायावती के साथ जो गठबंधन है 11 उपचुनाव के लिए वो टूट चुका है, समाजवादी पार्टी के पास अब अकेली राय है कि समाजवादी पार्टी खुद जाकर क्षेत्र में मेहनत करे और फिर से जिस तरीके से चुनाव जीतते हुए समाजवादी पार्टी आई है वो जीते। फिलहाल मायावती का ये कहना है कि इस बार पहली बार जिस तरीके से उपचुनाव लड़ने जा रही है बसपा, उसके लिए उसके जो कार्यकर्ता हैं पूरी तरीके से अभी से लग चुके हैं, अभी से ग्राउंड लेवल पर जा चुके हैं, पूरी तरीके से रणनीति बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से जो दो राह अलग हो चुकी हैं सपा और बसपा की, जिस तरीके से सपा बसपा एक साथ दिखाई दे रहे थे लोकसभा चुनाव में, अब उपचुनाव में एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ये साफ हो चुका है। जी नीतू, फिलहाल आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। तो वहीं आपको बता दें कि सपा बसपा गठबंधन के बाद मायावती ने तो बयान दिया ही है, अखिलेश यादव ने भी क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। बारे में जो बात रखी गई है मैं उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करूंगा और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। लेकिन सवाल ये राजनीतिक नहीं है चुनाव का, ये चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन जो विजय यादव चला गया क्या वो वापस आएगा? क्या जौनपुर का जो कार्यकर्ता चला गया वो आ जाएगा? हमारे संवाददाता अमित एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मायावती ने बयान दिया उसके बाद अखिलेश यादव का भी ये बयान सामने आया, यानी कि अब दोनों पार्टियां अलग अलग विस चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। जी
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से अब अखिलेश यादव का बयान आ चुका है, इससे साफ जाहिर हो चुका है कि अब अलग अलग दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पे कह दिया है और मायावती ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि जो उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया है और लगातार जो क्षेत्र में जाके काम किया है उससे दो एक दूसरे पार्टी खुश नहीं है, मगर वो काम हुआ है। मगर अब इससे साफ हो चुका है कि अब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश यादव का अगर तेवर देखें तो अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से अपना रुख साफ कर चुके हैं कि वो क्षेत्र में जाएंगे और पूरी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मायावती का भी कहना है कि उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो क्षेत्र में लग चुके हैं, अब 11 जो उपचुनाव होने हैं वो अपनी पार्टी अलग लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब सपा बसपा जो गठबंधन था वो पूरी तरीके से टूट चुका है, कोई उतरा नहीं है। जी नीतू जी, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद सपा और बसपा गठबंधन पर देखा जाए तो अखिलेश यादव और मायावती एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं, क्या ये बिल्कुल उचित है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मायावती ने सबसे पहले हार का ठीकरा समाजवादी पार्टी के पूर्व वोटरों फोड़ा, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर फोड़ा, वो चीज अब बयानबाजी और भी आपको ज्यादा दिखाई देगी, अब बयानबाजी और भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि दोनों पार्टी के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे वो शांत थे, क्योंकि बड़े नेता थे वो नहीं बोल रहे थे। अब दोनों बड़े नेता, दोनों पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बोल चुके हैं, अब आपको जो बयानबाजी दिखाई देगी वो काफी बड़ी दिखाई देगी और अब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर क्या कारण रहा है कि गठबंधन जमीन पे नहीं हो पाया है, जो गठबंधन का वोट था एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो पाया है। अब वो चीज़ साफ हो जाएगी, क्योंकि अब जो क्षेत्र के नेता हैं, जो पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े कैडर के नेता हैं, अब वो बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वाले समय में सपा बसपा अलग चुनाव लड़ेगी, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी भी बहुत मेरी बात हुई मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उनका साफ तौर पे कहना था कि पहले से हम कह चुके थे कि ये जो गठबंधन है वो चुनावी गठबंधन है, चुनाव के बाद दोनों अलग हो जाएंगे और पहले से हम इस चीज को बता चुके थे। इसी तरीके तमाम बड़े नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं, दारा साथ में स्वतंत्र देव सिंह से बात हुई है जो परिवहन मंत्री है, ये कहना था गठबंधन हो चुका है, कहीं बहुत खुशी है क्योंकि जिस तरीके से दोनों गठबंधन फ्लॉप हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सपा बसपा गठबंधन के बाद मायावती ने अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा है कि वो भी अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।